हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक गाने की जो कि आया है हंगामा 2 से। इससे पहले मैंने इसके ट्रेलर का भी रिव्यू करा था और जहां मैंने बोला था कि इस ट्रेलर में वो दम, वो पंच और वो हंसी नहीं थी, और हंसी तो बिल्कुल गायब थी, जो कि प्रियदर्शन की मूवी में ऑर्गेनिकली आती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा आपको ओवर द टॉप डायलॉग्स भी नहीं मारने पड़ते हैं और फिर भी हंसी आती है। अब दोस्तों, यहां पर हमें एक नया गाना पेश किया गया जिसका नाम है चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। अब ऑब्वियसली ये किसका है, शिल्पा शेट्टी और द अक्षय कुमार। अक्षय कुमार फेवरेट स्टार हैं प्रिय दर्शनी के लिए, तो उनका गाना ले लिया। अब क्योंकि शिल्पा शेट्टी भी है, उनको ले लिया। अब शिल्पा शेट्टी तो दोस्तों वैसे ही ग्लैमरस और वैसे ही यंग, वैसे ही एनर्जेटिक लग रही है, मुझे काफी अच्छा लगा। और अब बात करते हैं मिजान कैसे लग रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। अब देखो मिजान जाफरी के फादर जो है मिस्टर जाफरी, वो एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड तरीके के एक्टर थे और बहुत ही ज्यादा ट्रेंड तरीके के डांसर थे, जिन्होंने मतलब आती धमाका मचाते थे, उनका रॉक एंड रोल जो था मतलब होश उड़ा दिया था। अब ये भी डांसर तो बहुत अच्छे हैं मिजान, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अपने नेचुरल सेल्फ के अंदर नहीं है। ही इज ट्राइंग टू डू टू मेनी थिंग्स एंड ही इज ट्राइंग टू लुक लाइक रणबीर कपूर। तो जिस तरीके के ऐसे हाथ खोल के वो आता भी है, वो बहुत ज्यादा रणबीर कपूर के तरीके से लग रहा है। और मिजान का जो गेटअप भी है दोस्तों, थिन टाई के साथ, वो बिल्कुल वो बदतमीज दिल वाला जो गाना है उससे मैच कर रहा है। और जिस तरीके के उन्होंने स्टेप्स भी लिए इनिशियली, वो भी मुझे ऐसे ही लगा कि रणबीर कपूर स्टाइल है। उनके डायलॉग डिलीवरी भी मूवी के अंदर मुझे बहुत हद तक रणबीर कपूर की याद दिलाई। अजब प्रेम की गजब कहानी में जिस तरीके के डायलॉग बोलने की कोशिश करी गई थी, वैसे ही मुझे लगा। ओवरऑल बेसिस पे मैं बोलूंगा कि दोस्तों कि जहां पर बहुत ही अच्छी एनर्जी शिल्पा शेट्टी लेके आई है, मिजान मेरे ख्याल से किसी तरीके से थोड़ा सा शॉर्ट रह गए। आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करो।